हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल SITS में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम को लेकर। SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम कब होगे, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं इस बात को लेकर। दूसरा, जो SITS फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसकी जो फीस पेमेंट लिंक है वो कब तक आएगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। और जो मेजर चेंज हुआ है SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम, उसका पैटर्न चेंज हो गया है, उसमें बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं उसको लेकर भी स्टूडियो में बात करेंगे। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @way2write। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले SITS के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @SITS इलेक्ट्रीशियन। जैसे वो सर्च करेंगे SITS इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग अभी तक निमी या DGT की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। फिलहाल जो SITS रेगुलर वाले कैंडिडेट हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो CBT एग्ज़ाम है वो फिनिश हो चुके हैं, अब उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, August 2 तक। उसके बाद जो SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम की फ़ीस पेमेंट लिंक है, जब जो नोटिस आए वो आएगा उसके तुरंत बाद जो फीस पेमेंट लिंक है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेट आपको निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ये मान के चलो सेप्टेम्बर, जब भी आपका नोटिस आएगा नोटिस के एक मंथ बाद, ठीक है, क्योंकि जब नोटिस आएगा कम से कम ये मान के चलो 10 दिन के अराउंड आपका जो फीस पेमेंट लिंक है वो ओपन रहेगा और उसके 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि SITS RPL फाइनल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें क्या चेंज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो SITS रेगुलर वाले कैंडिडेट थे उनके CBT एग्ज़ाम 30 तारीख को हुए है, उसमें ये देखने को मिला है अब की बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो किसी पर्टिकुलर PDF से नहीं आए हैं। जिन स्टूडेंट ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ाया, चीज़ों को समझा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीट करी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। जो सिर्फ ओनली PDF पे डिपेंड थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जो खासकर भारतीय स्किल की PDF पर डिपेंड थे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड सिलेबस देखना पड़ेगा, जो ऑफिशियल सिलेबस है। मैं आपको बता दूँ, सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेज हुए थे लगभग 4 महीने पहले, ठीक है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। तो जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे ट्रेनिंग मेथडोलॉजी यानी जो POT सब्जेक्ट है उसमें 2 नई यूनिट ऐड हुई है जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार चेंजेज हो रहे हैं और जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। देखिए सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, बाकी अगर आपको सिलेबस लेना है तो आपको व्हाट्सएप पर भी सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो भी आपकी ट्रेड है, और ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, ठीक है, उसका सिलेबस भी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, या आपको जो स्टडी मटेरियल है उसके रिगार्डिंग कोई स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। आप सिंपली उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो आपके CBT एग्ज़ाम हैं वो कौन कौन से होंगे। तो आपके 2 CBT एग्ज़ाम होंगे, एक आपका ट्रेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रेड टेक्नोलॉजी में आपके ट्रेड थ्योरी, ED, WCS इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिन स्टूडेंट के पास सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट है उनसे सॉफ्ट स्किल और ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट उन कैंडिडेट के पास है जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, यानी जैसे बात करूँ कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, CSA, ठीक है, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके पास सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके पास ट्रेड थ्योरी, ED और WCS सब्जेक्ट है, ठीक है।
आपको सभी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, आप चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा आपका CBT एग्ज़ाम होगा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी POT का, ठीक है। इसमें जो ट्रेड टेक्नोलॉजी है इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का ये होगा। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ, जैसे ट्रेड थ्योरी में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, ED के क्वेश्चन 6 आएंगे और WCS के क्वेश्चन 6 आएंगे, ठीक है, और सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन आपके 12 आएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं ED और WCS के क्वेश्चंस की बात करूँ तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल चाहिए वो सिंपली व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही।